بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. हाँ जी, क्या कहानी है आपकी साईं? कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? हाँ, लाहौर से हैं। और दो मंथ पहले आप वो तो नहीं जिन्होंने मुझे कहा था मैं ओशो और पता नहीं कहाँ कहाँ से हो के आया हूँ? वो फिर आपकी कुछ बातें सुनी थी, वो पढ़ा था ना, एरोस्पेस पढ़ना आता बहुत कुछ। अच्छा, क्या पढ़ लिया था आपने? बहुत कुछ पढ़ा। ओशो से मिले हो या पढ़ा है सिर्फ? मिला भी था। मिले भी हो? अच्छा, स्पिरिचुअली। अच्छा, कृष्णमूर्ति से और काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन वो फिर ये था कि काफ़ी लोगों की सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व की, जब खुद फंसता ना बंदा फिर अपनी सॉल्व नहीं होती। तो शायद वो एक अनकॉन्शियसली कोई एरोगेंस थी कि मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ प्रॉब्लम्स। जब कोई मसला आता था ना तो एरोगेंटली ये का मसला है, कोई बात है करने वाली। तो खुद जो हल्की सी जॉन्डस ही हुआ था, तो उसमें तो कुछ नहीं, उतना फील भी नहीं होता। वायरल जो हेपेटाइटिस ए होता है, साथ IBS भी होता है, साथ एक दो मसले और भी, फिर बस हो गई। सब कुछ छोड़ छोड़ दिया, फिर सूर्य रहमान सुनी साल, तीसरे चौथे दिन फर्क पड़ गया। फिर आपकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, फिर मैंने कहा अल्टीमेटली वो जहाँ पे दूर जा रहा था किसी और पाथ के ऊपर, क्यों ना सीधे पाथ के साथ आया जाए, वो फिर एक काइंड ऑफ अ कनेक्शन। और स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए थी? नहीं नहीं, पावर्स नहीं, वो वही क्वेश्चन भी एक वही था कि अल्टीमेटली इंसान जो भी एक्टिविटी अंडरटेक करता है इस लाइफ के अंदर, चाहे वो रब को ढूंढता है, चाहे वो पैसा कमाता है, या किसी रिलेशनशिप में जाता है, उसका आई थिंक मेन गोल सिर्फ एक ही है, टू फाइंड सीक या फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और पीस। तो काफ़ी देखा, नॉन डुअलिटी को भी देखा, एक दो चीज़ें और भी देखी। तो आपका फिर एक पढ़ा था कि सुकून तो सिर्फ अल्लाह में, तो क्वेश्चन एक यही था कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड, टू रिमेन फुलफिल्ड इन डेली लाइफ रिगार्डलेस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, एंड इफ यस, ऑब्वियसली इट इज़ यस, आई नो, बट हाउ? सरेंडर, जीरो जीरो, सरेंडर कर दो उसके आगे, जैसे वो चाहता है, जैसे वो नचाता है नाचो, जैसे वो रखता रहो। आपके अंदर ये ख्वाहिश उसने डाली है, आपकी नहीं है, ये उसने खुद ही डाली है आपके अंदर ये ख्वाहिश। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, मैं क्या करूं तो ये हो जाए, ठीक है, ये डाली भी उसी ने है। तो उसके लिए सफ़र करना पड़ता है, अपने तक पहुंचना पड़ता है। वो कहता है तू अपने तक पहुंच, मैं तेरे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, तू अपने तक पहुंचेगा, मैं वहां पहले से मौजूद हूंगा। तो आप खुद तक पहुंच जाते हैं, जब अपनी पहचान हासिल अगर हो जाती है तो खुदा तो फिर सामने खड़ा होता है। जब खुदा साथ है फिर और कहीं ध्यान जाता ही नहीं, और कुछ कोई चीज़, लोग कहते हैं कई बार जैसे किसी बंदे के लिए कोई ख़ास किस्म की गाड़ी, फरारी को बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी, किसी के लिए कोई खातून बहुत बड़ी चीज़ होगी, कोई मॉडल, टॉप मॉडल या खातून या हसीना या कोई ओहदा या शोहरत, इज्जत, दुनियावी जो भी होगा। तो ऐसे बंदे के पास लोग जब ये चीज़ देखते हैं और ये देखते हैं कि उसको ऐसी कोई परवाह नहीं है, उसको वो इन चीज़ों के आ में आ नहीं रहा, तो हैरान हो के उनके लिए हैरानी होती है, ठीक है। हम भाभा से पूछते होते थे, दुनिया ने तो नाम काकी ताड़ रखा हुआ था, काकियाँ वैसे जैसे वाकई उनके ऊपर गिरती थी या उनके उनसे प्यार करती थी, काके भी करते थे, लेकिन हमारी तो आपकी एज में काकी, हमारी तो नज़र में मतलब यही था ना कि काकी औरत, यही मतलब समझ था या यही पता था। तो ये नहीं समझ आता था कि बाबा जी को कुछ नहीं होता, मतलब ये बाबा जी के पास बैठी हुई है जिसको मैं ढूंढता था ज़मीनों और आसमानों में, जिसके लिए हम आहें भरते थे या उसकी तस्वीरें काट काट के रखते थे। उस वक्त तो ये मोबाइलों का चक्कर नहीं था ना, बड़े कठिन काम होते थे।
अल्लाह हज़रत गोरा रहमतुल्लाह के दर्जात मज़ीद बुलंद करे, तो उन्होंने बड़े काम आसान कर दिए हैं, तो असी तो बड़ी बड़ी कष्ट कट्टे ने। पुराने रसाले लभो, उन्होंने चु भी तस्वीर लभो, किन्ने नवे खरीदो, ठीक है, फिर वो लुका के भी रखो, फिर कुछ सिर्फ बाथरूम में देखे जा सकते थे, कुछ लाइब्रेरी में छुप के किताबा, लाइब्रेरियाँ का सत्यानाश मारो भी चुई पाड़ लो, तो बड़े मुश्किल काम थे, दौर ही और था। हालांकि लाइब्रेरियाँ ख़राब नहीं होनी थी, ये मोबाइल होते उसमें से तस्वीर ली, बाकी उसको वहीं छोड़ दिया। बल्कि अब तो ऑनलाइन हर चीज़ है, ऑनलाइन ही लाइन पे आ जाते हैं और फिर लाइन कट भी जाती है, तो वो सारे दौर और थे। तो हमारा वो वाला दौर था जब अभी ये चीज़ें इतनी ये थी नहीं, तो बाबा जी के इर्द गिर्द जब ये देखना तो ऐसे ही पूछना, बाबा जी आप कुछ होता नहीं, या अपने अंदर ही सोचना कि की है इस बाबे नू की लगा है, इनू की मसला है, और ऊपर से ये नाशुकरा, इसको मतलब। लेकिन अल्लाह अल्लाह बोलते अल्लाह तेरे कोल, ठीक है। तो ये उसकी अता से है, कोशिश का इसमें अमल दखल कोई नहीं है, ये उसकी अता से है। और ठीक है, तू इतनी चलाकी से मुझे पूछ रहा है, हालांकि तू छुपा नहीं सका, ये सवाल तुम्हें पूछना चाहिए नहीं था, क्योंकि तुम पा चुके हो, तुम्हारे पास ये चीज़ है, ठीक है, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जबकि तुम्हें पता है कि हो चुका है। तो जो दिया जाता है वो लिया नहीं जाता, ठीक है, और ये जितना ज़्यादा आगे बांटोगे ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ, इसकी कीमत कभी ना लगाना, ये अनमोल है, इसे बेमोल रखना, ठीक है, इसको जितना बांटोगे बेगरज बेलॉस ये उतना बढ़ेगा। बिलाल नाम है आपका जी, आखिर किसी ने तो आपका नाम है अभी तो नहीं ना रखा होगा, आप किसी ना किसी के तो गुलाम होंगे, ठीक है, तो उन्होंने नाम रखा होगा आपका। बाकी जब तक बंदा अंधेरों से फिर के रोशनी में ना आए, उसे रोशनी की कदर नहीं होती, तो अंधेरों में भटकने के बाद जो रोशनी मिलती है, चाहे वो ज़रा सा रोज़न हो, ठीक है, एंड ऑफ टनल पे एक सिलेट सी नज़र आती हो, ठीक है, वो वही जानता है जो अंधेरों में भटका हो। तो जो ही आपको वो उस शराब का एक कतरा भी मिलता है, ठीक है, तो फिर साकी तो थकता नहीं है, ठीक है, अब पीने वाले पे है कि वो क्या करता है। पीने वाले भी हलमन मजीद के नारे लगाते हैं, तो इसको बांटो, ठीक है, सौ बिस्मिल्लाह। अच्छा क्या है ये, कहने को एक कार्ड है, छोटा सा मैसेज है, लोग इसको भी एक चिल्ला वजीफा कुछ भी समझते हैं, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू, ठीक है।
लेकिन इतना सा मैसेज आम करते रहो खुद ही प्यार से, चलो फ्रॉड ही सही, ठीक है। तो ये फ्रॉड का दौर है, फ्रॉडियों से जमीन भरी पड़ी है, दुनिया पसंद ही फ्रॉड की जुबान करती है, ठीक है। علمه البيان.